बेबोट का ये मोशन अलर्ट वाकई काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है। दिखने में ये मोशन सेंसर कुछ इस टाइप का है, प्लास्टिक की बॉडी है, स्ट्रांग है, ड्यूरेबल है, और यहाँ पर इसका सेंसर हो गया PIR means पैसिव इंफ्रारेड। जो इसका सेंसर है ना ये वाला, ये पैसिव इंफ्रारेड सेंसर है। अब कमरे में एंटर करते हैं, कमरे में एंटर करते इसने मुझे डिटेक्ट कर लिया और एक अलार्म मैसेज सेंड कर दिया फोन पर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? दोस्तों आज मैं आपके लिए क्या हूँ, बेबोट का मोशन अलर्ट। ये एक 360 डिग्री वाला मोशन सेंसर है, इसमें वाईफाई है, बैटरी ऑपरेटेड है और ये एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए कंपेटेबल है। तो आइए दोस्तों आज करते हैं इस मोशन सेंसर को अनबॉक्स, देखते हैं इसके फीचर्स को, डिजाइन को, परफॉर्मेंस को, और फाइनली ये भी देखते हैं कि क्या ये लेने लायक है, क्या ये वैल्यू फॉर मनी है। तो चलिए देखते हैं आज ये सब। तो सबसे पहले करते हैं इसके डिब्बे को अनबॉक्स। बेबोट का ये मोशन सेंसर आता है कुछ इस टाइप की पैकिंग में। ये वाईफाई इनेबल है, ऐप कंट्रोल भी है, बैटरी ऑपरेटेड है, लो बैटरी अलर्ट भी मिल जाएगा, 360 डिग्री मोशन डिटेक्शन है, बेबोट का प्रोडक्ट हो गया, मोशन अलर्ट मोशन सेंसर हो गया। किन किन को ये सर्टिफाई करता है यहाँ पर दिखाया गया है। मोशन अलर्ट वाईफाई मॉडल हो गया और ये iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए कंपेटेबल है। आप इस QR कोड को स्कैन करके इसकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। बॉक्स में MRP लिखी हुई है 2499 रुपीज़, और किसने इसको इंपोर्ट किया है आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। कस्टमर केयर का नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये है बॉक्स जिसमें ये प्रोडक्ट आता है। चलिए अब करते हैं इसको अनबॉक्स। बॉक्स में एक तो हो गया ये मेन मोशन सेंसर, आगे हैं यूजर मैनुअल जिसमें कैसे इस प्रोडक्ट को यूज करना है, क्या इसके फीचर्स हैं, कैसे इसको कॉन्फ़िगर करना है, सब कुछ लिखा हुआ है। एक एडहेसिव स्टिकर भी साथ में दिया गया है फॉर इंस्टॉलेशन। आगे है कुछ स्क्रूज विद, और फाइनली ये दो ट्रिपल ए सेल। तो बस यही कुछ मिलता है इसके डिब्बे में। आइए अब देख लेते हैं इस मोशन सेंसर को। तो दिखने में ये मोशन सेंसर कुछ इस टाइप का है, प्लास्टिक की बॉडी है, स्ट्रांग है, ड्यूरेबल है, और यहाँ पर इसका सेंसर हो गया, इस साइड एक रीसेट बटन हो गया और एक छोटी सी नोच है, आई थिंक इससे इसको खोला जा सकता है, आई डोंट नो। यहाँ पर USB पोर्ट हो गया, माइक्रो USB पोर्ट है फॉर चार्जिंग दिस यूनिट, और यहाँ पर है एक कंपार्टमेंट जहाँ पर इसकी बैटरी लगेगी। तो इसको आपको कुछ स्टेप से करके खोलना होगा। तो यहाँ पर है इसका बैटरी कंपार्टमेंट, चलिए बैटरी इसको लगा देते हैं। तो ये लग चुका है, और साथ में यहाँ पर दो होल भी दिए गए हैं फॉर इंस्टॉलिंग दिस ऑन वॉल, और आप इसको डायरेक्टली भी इस स्टिकर के मदद से कहीं पर चिपका सकते हो। तो लुक एंड डिज़ाइन वाइज तो मैं कहूँगा कि काफ़ी बढ़िया है, कॉम्पैक्ट साइज़ है और स्ट्रांग भी है, तो दिखने में तो काफ़ी बढ़िया है। चलिए अब इसको इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो मुझे इसको कन्फिगर करना होगा, और कहाँ कन्फिगर करना होगा, ऑन मोबाइल फ़ोन। चलिए इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है उसको इंस्टॉल करते हैं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए आप आइदर इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, नहीं तो सर्च कीजिए ऑन गूगल प्ले स्टोर या फिर आई स्टोर बेबोट ऐप को। ये रचित मंदुरा की ऐप है, चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। साइन अप करना होगा, अब डिवाइस को ऐड कर लेते हैं। दोस्तों बेबोट के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी में ये स्मोक डिटेक्टर बनाता है, कॉन्टेक्ट सेंसर, मोशन डिटेक्टर और स्मार्ट कैमरा बनाता है, और पैट्स के लिए पैट टॉय बॉल, पैट फूड बकेट और पैट फीडर भी बनाता है। चलिए हम अपनी डिवाइस को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली सर्च कर रहा है इस समय, और इसको कंटिन्यू रखने के लिए मुझे डिवाइस को सबसे पहले पेयरिंग मोड पर डालना होगा। तो रीसेट बटन को टैप एंड होल्ड कर लेता हूँ, और तब तक होल्ड करता हूँ जब तक ये ब्लिंक ना करने लग जाए। तो ये अभी फास्टली ब्लिंक कर रहा है, तो इस समय ये पेयरिंग मोड पर जा चुका है, और होप डेट कि ये इसको रेकोगनाइज कर ले। अगर ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं कर पाता है तो मैं यहाँ पर मैनुअली भी इसको ऐड कर सकता हूँ। मोशन डिटेक्टर है ये, तो मोशन डिटेक्टर पर चलते हैं। वाईफाई का ये इस समय पासवर्ड मांग रहा है 8 IG, चलिए डाल देते हैं। हाँ, रैपिडली ब्लिंक कर रहा है, तो लगभग अब ये 2 मिनट लगाएगा अलाउ। तो ये मोशन डिटेक्टर अब इंस्टॉल हो चुका है, इसको मैं लगा देता हूँ अभी, तो मेन रूम पर लगा देते हैं। डन। तो फाइनली अब ये कन्फिगर हो गया है, और ये है इसकी मेन स्क्रीन, ह्यूमन मोशन सेंसर, ह्यूमन स्टेटस है,
लोग हिलडुल रहे हैं, ये भी बताएगा। वर्किंग PIR स्टेट, व्हाट इज PIR? PIR मींस पैसिव इंफ्रारेड, जो इसका सेंसर है ना ये वाला, ये पैसिव इंफ्रारेड सेंसर है। तो ये स्टेट बता रहा है। रिकॉर्ड, कितनी इसने मोशन डिटेक्ट किए, यहाँ पर आपको सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा, कब कब मूवमेंट हुई है। ये ह्यूमन मोशन को ही डिटेक्ट करता है, ध्यान रखना। और ऑटोमेशन, अगर कोई आपने ऑटोमेशन लगा रखा तो वो आपको यहाँ मिल जाएगा। ऑटोमेशन लगेगा यहाँ पर स्मार्ट पर, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पर आप इफ एंड देन पर सेट कर सकते हो। जैसे कि अगर कोई मोशन डिटेक्ट होती है, या फिर मोशन डिटेक्ट होती है अप टू 2 सेकेंड, तो ये क्या करेगा, ये अलार्म मोड को चेंज कर सकता है डिफेंस, या फिर रन द डिवाइस, सेलेक्ट स्मार्ट सीन्स, सेंड नोटिफिकेशन, डिले द एक्शन। तो इस टाइप से आप यहाँ पर सेट कर सकते हो इफ एंड देन। आगे है सेट, यहाँ पर आप बैटरी लेवल को देख सकते हो, लोअर बैटरी में ये आपको अलार्म बताएगा, और मोशन अलार्म ऑलरेडी ये बता रहा है। अगर आप मोशन अलार्म को बंद करना चाहते हो तो आप यहाँ पर डायरेक्टली इसको बंद कर सकते हो। और इस ह्यूमन मोशन सेंसर को आप अलेक्सा या फिर गूगल असिस्टेंट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको डिवाइस इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आप इसको कॉपी भी कर सकते हो। टैप टू रन, अगर कोई ऑटोमेशन आपने सेट कर रखा तो आप यहाँ पर इसको चला सकते हो। ऑफलाइन नोटिफिकेशन, अगर आप बंद करना चाहते हो तो यहाँ पर बंद कर सकते हो। शेयर डिवाइस, अगर आप डिवाइस को किसी का शेयर करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो, और ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, और यहाँ पर आप ऐड टू दिस होम स्क्रीन, या फिर जो डिवाइस का नेटवर्क स्टेटस है उसको देखना है तो आप दे सकते हो, और साथ में आप यहाँ पर अपग्रेड भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए कोई अपग्रेड नहीं, सब कुछ कन्फिगर हो गया है। चलिए अब इसको इंस्टॉल करते हैं, बट उससे पहले एक बार ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये वर्क कर भी रहा है। तो इस समय दोस्तों जो सेंसर है वो मेरी प्रेजेंस को दिखा रहा है, ह्यूमन स्टेटस एक्टिव है। चलिए सबसे पहले सेंसर को ब्लॉक करते हैं, तो मैं इसको डाउन कर देता हूँ। होप डेट कि अब सेंसर मुझे ना देख पाए। सेंसर इस समय डाउन है और ह्यूमन स्टेटस अभी भी एक्टिव है, तो इस समय आ गया नो वन स्टेट, मतलब कि कमरे में कोई नहीं। चलिए अब सेंसर को कर देता हूँ ऊपर की साइड को डिटेक्ट, तुरंत डिटेक्ट किया, और यहाँ पर एक अलार्म भी आ गया। इस अलार्म को मैं बंद कर सकता हूँ नोटिफिकेशन पर टैप करके, तो ह्यूमन स्टेटस अब हो गया एक्टिव। और अगर मैं सेंसर को फिर से ब्लॉक कर दूँ, अब सेंसर के सामने कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है, नो वन स्टेट आ गया, और जैसे मैं सामने आया अलार्म आ गया, और इसको मैं टैप करके बंद कर सकता हूँ, तो ये वर्क कर रहा है। आइए अब इसको इंस्टॉल कर देते हैं कमरे पर। तो इस समय कमरे पर मैं हूँ और ह्यूमन एक्टिविटी को ये मॉनिटर कर रहा है। चलिए कमरे से बाहर निकलते हैं। तो नो वन स्टेट आ गई। चलिए अब कमरे में एंटर करते हैं। कमरे में एंटर करते इसने मुझे डिटेक्ट कर लिया और एक अलार्म मैसेज सेंड कर दिया फोन पर। तो बेबोट का ये मोशन अलर्ट वाकई काफी बढ़िया प्रोडक्ट है। वाईफाई ये इनेबल्ड है, ऐप कंट्रोल है, बैटरी ऑपरेटेड है, 360 डिग्री मोशन को ये डिटेक्ट करता है, और सबसे बढ़कर कि आप इस मोशन डिटेक्टर को अमेजन अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ भी पेयर कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो परफॉर्मेंस के मामले में बढ़िया, डिज़ाइन एंड लुक बढ़िया, और फीचर्स भी बढ़िया। तो मैं तो दोस्तों इस प्रोडक्ट को रेकमेंड करता हूँ। बाकी आप बताइए कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। अगर आप इस प्रोडक्ट को मंगवाना चाहते हो तो इसका जो लिंक है मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पर जाके इसको खरीद सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको ऑल करके बता जाना, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर स्टेप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।